सर आपका स्वागत है एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल पे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। मलकीत बागी सिरसा हरियाणा से। सर, किसान साथी शिकायत करते हैं कि हमारे पशु मिट्टी खाने लग गए हैं, तो कैसे पशुओं को मिट्टी खाने से रोके? देखिए, बड़े पशु का ये केस होता है कि वो मिट्टी खाए, बड़े पशु जो है वो मिट्टी नहीं खाते। ये सारी समस्या बच्चों में आती है। जैसे इंसानों के बच्चे भी मिट्टी खाते हैं, ऐसे पशुओं के बच्चे भी मिट्टी खाते हैं, तो वो सारी व्यवस्थागत बातें होती है। अगर बड़ा पशु भी कोई मिट्टी खा रहा है, वो चिकनी मिट्टी या दीवारों की मिट्टी को बड़े पशु खाते हैं, उनके लिए मिनरल्स आते हैं। अगर मिनरल्स के ब्लॉक वगैरह मिल जाते हैं मार्केट से, अगर वह उनके खाने की नाद में रख दें तो उसको वो चाटते रहते हैं, या फिर वो नमक भी अगर हम बड़ा डले वाला नमक रख देते हैं तो उसको भी वो चाटते रहते हैं। ये मिनरल्स की कमी होने की वजह से पशु, कोई बड़े पशु तो तभी मिट्टी खाते हैं, छोटे बच्चे जो हैं उनकी आदत बन जाती है मिट्टी खाने की। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि नीचे जो है सूखी पराली या सूखा घास उनके नीचे डालें, मिट्टी के टच में सीधा उनको ना आने दें, और जो पराली और मिट्टी है जब वो गंदी हो जाए तो उसको हटा दें, उसकी जगह नई बिछाते रहें। एक तो सर्दियों में वो ठंड से लगने से बचे रहेंगे, एक वो फिर उनके साथ लग रहे थे। दूसरी, छोटे बच्चे जो है उनके लिए हमें क्या, काफ स्टार्टर उनको खिलाना चाहिए। काफ स्टार्टर जो है एक बकेट में उनके आगे रख दें तो फिर वो उसमें लगे रहते हैं, सारा दिन उसको खाते रहते हैं, जिससे उनका पोषण भी होता रहेगा, उनको खुराक मिलती रहेगी और वो मिट्टी भी नहीं खाएंगे। दूसरा क्या है कि कीड़े मारने वाली दवाई प्रॉपर देते रहते हैं, उनका रख रखाव ठीक करते हैं। ये सारी मैनेजमेंट से ही चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। और छोटे बच्चों की जो दूध से और काफ स्टार्टर और मिल्क रिप्लेसर से उनकी पूर्ति हो जाती है, अगर हम बच्चों का पालन पोषण सीख जाते हैं पशुओं के बच्चों का, तो ये चीज़ें नहीं होती। अगर बच्चा भूखा रहता है तो भी वो कहीं ना कहीं मुंह मारेगा, अगर उसके लिए मिट्टी उपलब्ध है तो भी वो मिट्टी में लगा रहता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, नीचे सूखी जगह बना के रखें, पक्का फर्श है या नीचे प्लास्टिक रबड़ के मैट आते हैं, रबड़ के मैट लगा दें या नीचे पुआल वगैरह या सूखी घास डाल दें, तो मिट्टी के सीधा टच में नहीं आने देंगे उनको। तो एक तो मिट्टी नहीं खाएंगे, दूसरा आप उनका दूध पीने का, पानी की व्यवस्था उनके सामने जरूर, हर पशु के लिए, चाहे वो बड़ा पशु हो या छोटा पशु हो, उनके लिए 24 घंटे पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि बड़े पशु और छोटे पशु जितना समय वो खुले रह सकें, जो पशु खुला रहता है उनके लिए ज़्यादा ईजी होता है अपना पानी पीना या टहलना, ये सब बड़े छोटे पशुओं के लिए चाहिए। तो हमें इस तरह की रख रखाव की मैनेजमेंट की चीज़ें अगर कर लेते हैं तो ये समस्या हमें नहीं आती। आती है तो उन सब के लिए आज इतनी टेक्नोलॉजी है, आज इतनी सुविधा हो गई है कि हर चीज़ का समाधान है। यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं, और जो सरकारी अस्पताल हैं, पॉलीक्लिनिक हैं, उनमें सब में ट्रेनिंग के प्रोग्राम होते हैं। किसी ने भी पशु रखना है तो वो पहले ट्रेनिंग ज़रूर ले ले, 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, अब बहुत बड़े डेयरी फार्म है वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सीख के किया जाए तो काम 100 गुना आसान हो जाता है, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये हम बड़े आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने बताया कि पशुओं को मिट्टी खाने से कैसे रोकें, कैसे हम पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं, एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।